शास्त्र कह रहा है। मनु और शत्रुपा इनके पुत्र उत्तानपात प्रियवत कन्या देहूति प्रसूति आकूति देहूति माता का विवाह कदर्म जी के यहां पर हुआ और उन्हीं कदर्म जी के यहां पर देहूति माता के गर्भ से कपिल देव बाबा का अवतार हुआ, जिन कपिल देव जी ने अपनी माता देहूति को ज्ञान प्रदान किया। माता देहूति ने कपिल देव जी से कहा, अरे कपिल, जिंदगी में सबसे बुरा अगर कुछ होता है तो वो बुढ़ापा होता है। बुढ़ापा बुरा होता है। कौन से महाराज ने बताया कि बुढ़ा होता है? बुढ़ापे जैसा तो कोई सुखी नहीं होता महाराज। भगवान कपिल देव अपनी माता देहूति को ज्ञान दे रहे हैं, सुनना कि बुढ़ापा कितना अच्छा होता है। हर चीज में अच्छा ही ढूंढो, अच्छा मिलेगा। कल जा रहे थे तो जाते जाते में थोड़ी दूर चले सो तो आगे जाके एक माता जी से बात हुई तो हमने पूछा, तुम कथा में नहीं आ रही? नहीं गुरु जी, हम तो आराम तो पीछे बैठते हैं, तो तुम जल्दी क्यों नहीं आती? आगे बैठो। नहीं गुरु जी, हम तो पीछे इसलिए बैठते हैं क्योंकि प्रसाद मिलता है तो वहीं की वहीं खसक लेते हैं। उसकी ये विचार पर अपने को हंसना नहीं, उसे सीखना है कि पीछे बैठ रही है उसके बाद भी अच्छाई ढूंढ रही है। आगे वाले प्रसाद लेने में जब जाएंगे तो पीछे छूट जाएंगे और पीछे वाले वहीं की वहीं उठ गए। लेकिन उसकी सोच देखिए, अच्छा देखोगे तो अच्छा मिलेगा। और नहीं तो कई लोग ऐसे हैं जिनको हम तो आगे जाके बैठेंगे और पल्ला पल्लू ले लेकिन धमक के बैठे से पल्ला। पर उसने पीछे बैठने पर भी सुख को ढूंढा है। इससे सुंदर नेत्र किसी के नहीं हो सकते साहब, जो हर चीज में अच्छा देखे। हर चीज और देखिए अच्छा ढूंढने का प्रयास किया। हम पीछे बैठे सो हमको पहले जाने का मौका मिलेगा, हम निकल गए। कपिल देव अपनी माता देवहूति से कहते हैं, मां तू कर रही है कि बुढ़ापा बेकार होता है। और कपिल देव भगवान स्वयं भगवान का अवतार है, कपिल अवतार। और भगवान कपिल देव कह रहे हैं, मां दुनिया के लोग कहते हैं कि बुढ़ापा बुरा होता है, पर मैं कपिल आज अपनी माता देवहूति से कहता हूं कपिल गीता में कि बुढ़ापे जैसा कोई सुख नहीं होता। बुढ़ापे में भगवान घुटने तोड़ देता है, इसलिए तोड़ता है कि अब जगत में खूब घूम ली, अब घर में बैठ के भजन कर, यहां वहां मत जा, पड़ोसन की ओटले पे बहुत बैठ ली, अब घर में रह जा। तो क्या बुरा करा भगवान ने, बोलो जरा जम के। क्या बुरा करा? एक माता जी बोली थी गुरु जी एक जगह कथा में, कहे गुरु जी हमारा बहुत मन करता है कि हम तीर्थ में जाकर कथा सुने, पर करें क्या, घर में हमारी बूढ़ी सास है ना, बीमार पड़ी हुई बहुत दिन से, अब हम उसमें लग जाते। तुमने कहा तीर्थ जाने की जरूरत ही नहीं, अगर घर में सास की सेवा कर रहे हो तो क्या करोगे तीर्थ जाकर। महाराज इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वही तो चारो, अरे बोलो तो चारो धाम है। जिसके घर में सास ससुर वही बद्री नाथ है, कर लो उनकी सेवा वही तो चारो धाम है। जिसके घर में जेठ जेठानी वही द्वारका, अरे बोलते जाओ द्वारका नाथ है, कर लो इनकी सेवा यही तो चारो धाम है। और जिनके घर में पति देव, अब क्यों हंसी, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अरे जिनके घर में पति देव वही जगन नाथ हैं, कर लो इनकी
Mm-hmm.